Good morning student, I am Poonam, your English teacher from Sardar Patel Public School. Today we start topic articles for class 3rd or 4th. 3rd class ka chapter 11 hai aur 4th class ka chapter 12 hai. Dekho articles ke kitne types hote hain, pehle hum padhte hain. Articles are of two types, matlab two types ke hote hain articles. First hai definite article, jiske andar aata hai the, only the aata hai. Definite ka matlab hota hai nishchit. इसके बाद है इनडेफिनेट आर्टिकल, इसके अंदर आते हैं ए और एन, दोनों आते हैं इनडेफिनेट में, मतलब अनिश्चित आर्टिकल में. तो आज हम इनका यूज़ पढ़ेंगे. इनका यूज कैसे किया जाता है, देखो पहले है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, मतलब जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज़ पढ़ते हैं हम. तो देखो किस किस के साथ करते हैं. बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, मतलब जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, इमारत है, उनके नाम से पहले हम द यूज़ करते हैं. जैसे कैसे एग्जाम्पल है द इंडिया गेट, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हो गया ये. और जैसे कि द ताजमहल, तो फर्स्ट इसका हो गया कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स से पहले करते हैं. और उसके बाद है न्यूज़पेपर, यानी जो न्यूज़पेपर है उनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं. जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया. और भी जो न्यूज़पेपर है, राजस्थान पत्रिका है, तो हम लिख देंगे द राजस्थान पत्रिका. और क्या है प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, मतलब किसी भी कंट्री का प्लूरल नेम आए, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. स्टेट्स आ गया, तो प्लूरल नेम हो गया ये. तो इसके साथ हम किसका यूज कर देंगे, द का यूज़ कर देंगे. इसके बाद है रिवर्स, जो भी रिवर है उनके नेम से पहले क्या आएगा, द आएगा. जैसे गंगा है, तो इसके साथ द का यूज़ हो जाएगा. और यमुना है, तो जो होली रिवर्स है उनके साथ. होली बुक्स है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, तो इनके नाम से पहले किसका यूज़ हो जाएगा, द का. इसके बाद है बिफोर द यूनिक थिंग्स, मतलब जो भी यूनिक थिंग्स है उनके नेम से पहले द का यूज़ करते हैं. जैसे सन है, मून है, अर्थ है. और इसके बाद है बिफोर द कॉमन नाउन दैट आर डिफाइंड, मतलब जो कॉमन नाउन है जो डिफाइन की गई है पहले उनके नाम से पहले. जैसे कि द हाउस इन विच वी लिव गिव जस्ट सेटलर, यानी द हाउस डिफाइन किया है इसको आगे कि इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं वो हाउस गिव जस्ट सेटलर, वो हमें आश्रय देता है. तो हाउस के नाम से पहले क्या आ गया, द, क्योंकि इसको आगे डिफाइन किया है. इसके बाद बॉय है, द बॉय हु स्टूड देयर वाज माई नेबर, तो वह लड़का जो यहाँ खड़ा है वह मेरा नेबर है. तो द बॉय को आगे डिफाइन किया तो उसके साथ द का यूज़ हो गया. लुक एट द ग्रीन बोर्ड, ये एक हो गया लुक एट द ग्रीन बोर्ड. इसके बाद है यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, जो आपको पढ़ाए हुए भी है पहले. ए का यूज है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है और एन का यूज वोवल साउंड के साथ होता है. जैसे कॉन्सोनेंट साउंड कैसे, जैसे हम आर्टिकल ए का यूज़ पढ़े कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि गर्ल आ गया तो इसके साथ ए आ जाएगा, या बॉय आ गया. कॉन्सोनेंट आप जानते हो 21 होते हैं, तो इसके साथ भी ए आ गया. और वोवल साउंड आए जैसे कि अम्ब्रेला आ गया और ऑनेस्ट आ गया, तो इनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं. तो ये आपका चैप्टर था, आगे आपको खुद को रिवाइज़ करना है. थैंक यू.